ट्रक वाले भैया इतनी धूल उड़ा रहा है, वाह एक फोटो, अच्छा है हेलमेट पहना है मैंने वरना कहाँ घुस जाता अभी मैं। ये अपने सूरज जाते अपने को ये एक ही टोल ना था अपने को पहले गिरता है भाई। तो गाइस मैं अभी है ना रॉन्ग साइड चल रहा हूँ क्योंकि है ना भाई मेरे को जाना था वो वाले रास्ते पे, लेकिन मेरे को लगा आगे गैप होगा लेकिन गैप है ही नहीं। यहाँ पे ना सैमसंग का ऑफिस था ऊपर, अभी पता नहीं है कि नहीं, पूछते अभी जाके। चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है ना हम जाने वाले हैं कामरेज, वहाँ पे है ना जाके आपको है ना पूरा टूर दिखाएंगे। आज है ना मियाओ का ना मोबाइल बुरी तरह से ना टूट गया था, तो वो है ना एक मंथ पहले टूट गया था, तो उसका है ना डिस्प्ले का कॉस्ट है ना अपने कोसमा में बहुत ही महंगा गिर रहा था, समथिंग 8,500 या फिर कुछ आजू बाजू कुछ बोला था। लेकिन है ना अभी हम पूरे ना सैमसंग के केयर में ही जाते हैं और वहाँ पे पता करेंगे कि कितने का है। देखो 60,000 के आसपास तो होगा ना, तो फिर डलवा देंगे या फिर हमको नया ही मोबाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि 8,500-10,000 तो हम खरीद नहीं सकते भाई, इतना महंगा तो डिस्प्ले हम डाल नहीं सकते मोबाइल में, इससे अच्छा तो नया ही कोई आ जाएगा छोटा सा मोबाइल। तो चलो फिर अभी है ना मियाँ जाते ऑफिस, फिर 1 बजे मिलते हैं आपको, चलो रहो बाय बाय। तो अभी गाइस है ना जल्दी जल्दी में हम निकल तो चुके हैं, लेकिन है ना भाई फ्यूल अप है ना करवाना पड़ेगा क्योंकि ना बहुत ही कम है स्कूटी में। और आज है ना गाइस ये चेक करें, चप्पल हम पहन के निकल चुके हैं, शूज नहीं पहने हमने, फर्स्ट टाइम भाई हाईवे पे जा रहे हैं और है ना शूज बिना। ट्रक वाले वाह भैया अभी उनको भी साइड काटना है, हमको भी साइड करना है, कैसे चलेगा। और ये स्कूटी का कोई पता नहीं भाई, छोटे छोटे टायर होते हैं ना भाई, कोई भी घुस जाता है। तो अभी तो गाइस है ना फ्यूल अप करवा लेते हैं, नीचे ही पेट्रोल पंप है आपको पता ही होगा। और है ना भाई एक आपसे बात मेरे को है ना बोलनी थी, अभी है ना भाई 1K होने में खाली 185 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर मेरे को कम पड़ रहे हैं, प्लीज़ यार अपने ना फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड सर्कल में करवा दो ना यार, क्योंकि ना एक साल में है ना सबमिट करने होते हैं 1K सब्सक्राइबर, और है ना हमारे अभी तक है ना 820 या 815 ही हुई है, प्लीज़ यार करवा दो ना, वापस से फिर मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी एक साल की पूरी मेहनत जाएगी भाई वेस्ट, मेरे को पता है आप करवा दोगे, प्लीज़ यार जल्दी करवा देना। चलो गाइस तो पेट्रोल पर भरवा लिया हमने, अभी निकलते हैं। अभी गाइस हम निकल चुके हैं और है ना कामरेज जाके फिर वहाँ पे ना कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि ना भाई अभी दोपहर का कुछ खाया नहीं हमने, और मियाँ ना ऑफिस से आए ना तो सीधे निकल गए। अभी है ना भाई मियाँ का फ़ोन का कितना खर्चा आता है वो तो अभी वहाँ जाके ही पता चलेगा, लेकिन है ना भाई इसकी डिस्प्ले बहुत ही महंगी हमको गिरने वाली है, ऑलमोस्ट 8,000-10,000 तो चले ही जाएंगे भाई। हमें ना गाइस ऐसे लोकल भी दे सकते थे, ऐसा है ना 2-3 बार स्कैम हो गया था मोबाइल में है ना भाई, कुछ चीज़ निकाल लेते लोग है ना, मेरे को पूरा भी विश्वास नहीं है कोसम्बा वाले रिपेयरिंग वाले के ऊपर, तो इसके लिए तो अभी हम ना सीधे केयर में ही जा रहे हैं, वहाँ पे क्या अच्छे से डाल देंगे, और कुछ बोलना होगा तो हम बोल भी सकते हैं, ये लोग को तो भाई ये लोग सब छपड़ी है, समझ में भी नहीं आता है कभी कभी तो इन लोगों को। भाई साहब अभी ये कहाँ से निकला रॉन्ग साइड में जरा देता है भाई। तो अभी गाइस आ तो चुके हैं हम हाईवे पे, तो अभी है ना फटाफट पहुँचते हैं और पूछते हैं कितना खर्चा है, यहाँ क्या बोल रहे हैं पता है, ज़्यादा खर्चा होगा ना तो नहीं बनाएंगे। अभी भाई इतना महंगा मोबाइल है तो फिर डिस्प्ले मेरे को तो लग ही रहा है कि 8,000-10,000 तो चले ही जाएगा, अभी देखते हैं वहाँ पे जाके कितना खर्चा होता है ना। मेरे को यहाँ पे बहुत ही डर लगता है, ऐसा है ना भाई यहाँ पे 3 रोड है और आगे जाके ना 2 रोड है ना, बहुत ही दिक्कत हो जाती है चेक कर। और ये टेम्पो वाले भैया तो भाई ब्रेक भी नहीं मारते, ये ट्रक वाले भैया इतनी धूल उड़ा रहा है भाई, फोटो अच्छा है हेलमेट पहना है मैंने वरना कहाँ घुस जाता अभी मैं। ये बड़ा हमसे एक वाली गाड़ी जा रही है, तो अभी कौन खींच ले चालू गाड़ी में से तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है इन लोगों को
साहब अच्छा है हमारे साथ है हमारे फ्रेंड नहीं है, वरना ये तो अब भी ले ले रहे तोड़ के। टैग करना अपने छपड़े दोस्तों को, ऐसा कोई करता होगा तो फिर है ना। अभी गाइस हम पहुंच तो गए हैं किम, अभी यहाँ से कुछ कितना आधा घंटे तक तो रास्ता होगा ही यहाँ से अभी कामरेज का। वहाँ पे केयर खुला होगा तो अच्छा है, वरना फिर हमको धक्का खाना पड़ेगा बाहर। अपना जो मेन हाईवे रहता है ना वो तो एकदम क्लीन चकाचक रहता है, लेकिन भाई ब्रिज पे क्यों गड्ढे बड्ढे हो जाते हैं मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। कुछ मालूम होगा तो फिर मेरे को बताना भाई। ब्रिज पे जाओ ना तो ऐसा लगता है कि अपने कुसुम्बा सिटी में आ गए, पूरा गड्ढे बड्ढे हो जाते हैं भाई। अभी गाइस हम पहुंच गए टोल नाका और अभी पहुंच ही जाएंगे, चलो जल्दी जल्दी कामरेज। ये अपने सूरज जाते अपने को ये एक ही टोल नाका अपने को पहले गिरता है भाई। गाइस मैं अभी है ना रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, क्योंकि है ना भाई मेरे को जाना था वो वाले रास्ते पे, लेकिन मेरे को लगा आगे गैप होगा, लेकिन गैप है ही नहीं यार यार। ऐसे रॉन्ग साइड तो चलना ही मत। अभी ये नहीं यार थोड़ा सा ही था इसके लिए, वरना फिर मेरे को पूरा घूम के जाना पड़ता, रॉन्ग साइड रिक्स लेने का ही नहीं। चलो गाइस फाइनली पहुंच तो गए हम अभी है ना भाई, बहुत दिनों के बाद आए ना तो अभी वो बिल्डिंग मेरे को ढूंढनी पड़ेगी भाई। चलो फाइनली मिल तो चुकी है, अभी यहाँ पे ही है शायद, मेरे को पता नहीं है। गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे ना सैमसंग का ऑफिस था ऊपर, अभी पता नहीं है कि नहीं, पूछते अभी जाके। चलो much 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 later हम निकल चुके हैं और यही वाला था केयर। तो गाइस ने हमको मोटा मोटा खर्चा अपने मोबाइल का कितना आया मियाँ? 6860। ओ भाई, तो गाइस मियाँ का फ़ोन का है ना भाई 6860 का डिस्प्ले आएगा, तो अभी वो मंडे को बोल रहे हैं कि बना के रेडी कर देंगे, तो अभी मंडे के आएंगे फिर से। चलो तो फिर अभी निकलते हैं घर के लिए, अभी ना 2 बजने वाले हैं दोपहर के, चलो तो निकलते हैं। क्या हुआ? तो अभी गाइस चलो निकलते हैं और अपना ये ड्रीम बाई हिमालयन कभी ये भी लेके अपने है ना, तो अपनी गाड़ी तो यहाँ पर रखी है। चलो अभी सेटअप करते हैं निकलते हैं, और है ना अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, मिलते हैं सीधे घर पे ही। चलो बाय बाय। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं अपनी शॉप पे, मियाँ तो चली गए अपनी ऑफिस। और मेरे को ना गाइस आपको एक बात बतानी थी, ये व्लॉगिंग लाइफ है ना जितने हम सोचते थे ना इतनी इजीली नहीं है, क्योंकि ना इसमें हमारा माइक का खर्चा, ट्राईपोड का खर्चा, पेट्रोल पानी, अब सोचो मोटा मोटा खर्चा हमको एक वीडियो बनाने में 500 या 1000 रुपये तो चले ही जाते हैं गाइस। और आप मेरे डेली वीडियो देखते होगे तो आपको मालूम ही होगा कि मोबाइल में भी कितने पैसे जाते हैं। जब है ना ये मॉनसून के टाइम पे भी 2-3 बार माइक ख़राब हुआ, मोबाइल ख़राब हुआ, बहुत ही पैसे जाते हैं। और अभी ये वाला भाई, ये वाला खर्चा, तो आप है ना मेरे को सपोर्ट करो प्लीज़ यार, क्योंकि मेरा अभी तक का 6 महीने में ऑलमोस्ट 40 या 50 हज़ार तो चला ही गया होगा ये ब्लॉगिंग में, तो थोड़ा सपोर्ट करो फिर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपको देंगे। तो चलो गाइज मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो